छत पर मेरा कितना काम फैला हुआ है। हमारे यहाँ हो रहा है पुताई का काम, तो यहाँ देखो इस कमरे में भी दिखाती हूँ मैं, कमरे में भी सारा फैला हुआ है। वाइट वॉश हो गया है यहाँ पर, ये देखो 2-3 दिन से काम चल रहा है और सारा सामान यहाँ फैला पड़ा है। पेंट्स की बाल्टियाँ रखी हुई हैं, तो यहाँ देखो कितना काम फैल रखा है, तो ये सब मुझे करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में भी देखा था कि मेरे यहाँ चल रहा है पेंट का काम, तो आउटडोर ही चल रहा है, मतलब आउटडोर क्या ऊपर का, ऊपर के पोर्शन में और दोनों जीने पर हो रहा है पेंट का काम। तो 3-4 दिन से काम चल रहा था, तो बस थोड़ा ही काम था, ज़्यादा नहीं था, तो काम हो चुका है। तो बस उसके बाद कितना काम और रह जाता है फिर हमारे लिए, वो तो सब आप जानते ही हैं। तो इसके बाद फिर बस इनका काम आज फिनिश हो गया था, तो उसके बाद मैंने क्लीनिंग करनी थी। तो ये नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे की है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो पे प्लीज़ बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये अब आ गए थे नीचे वाले जीने पर, तो यहाँ पर पे भी आज लास्ट हो रहा था इनका और ये जीना ही था, बस रह गया था, तो यहाँ पे भी आज ये कर देंगे कंप्लीट, तो फिर वही शाम तक इनका काम रहेगा आज भी। तो ये मॉर्निंग का है, नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो यहाँ बच्चों को मैंने दे दिया था ब्रेड और ये मखाने भून दूँगी, और उसके बाद हलवा रखा था तो मैंने हलवा बच्चों के लिए गर्म कर दिया था। हलवा बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी, देसी घी का बना हुआ था और दोबारा से गर्म कर दो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, तो बच्चे हलवा ही मांग रहे थे, तो उन्हें नाश्ते में हलवा दे दिया था और लंच में भी आज मैंने ब्रेड ही दिया था क्योंकि बहुत काम फैला पड़ा था, तो मैंने जल्दी फटाफट बस नाश्ता बच्चों का दिया और उसके बाद मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि जब तक काम पड़ा रहता है ना तो टेंशन बनी रहती है और फिर घर भी गंदा सा लगता है, तो फिर मैं आ गई थी छत पर। और मैंने भी अपने लिए चाय बना ली थी, मैंने और हस्बैंड ने चाय पी ली थी, उसके बाद हम जो है बच्चों को स्कूल भेज दिया था और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी छत पर, हस्बैंड बच्चों को छोड़ने चले गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले आकर के मैंने रूम को ही धोया था, तो रूम वाली तो वीडियो नहीं बनाई थी, और रूम धो कर के फिर बाहर का जो सामान था वो मैंने लगा दिया था, और कुछ सामान ऐसा था जो कि फिर मैंने बाहर कर दिया, मतलब उसे कबाड़े में डाल दिया, एक साइड में रख दिया है यहाँ जीने के नीचे ही, और बाकी जो कूड़ा भरा हुआ था वो कट्टे में डाल दिया था, पेंटों ने ही डाल दिया था, मोटा मोटा कूड़ा तो पेंटों ने ही उसमें डाल दिया था, बाकी एक बार मैंने झाड़ू लगा दी थी, और जो सामान ओस में थोड़ा सा गीला हो गया था तो वो बाहर ही पड़ा है अभी, और वो जब सूख जाएगा तो फिर मैं उसे भी बाद में लगा दूंगी। फिलहाल ये जो यहाँ पे डस्ट है ना सारी, क्योंकि अंदर तक घर गंदा होता है फिर अगर डस्ट रहती है, तो इसलिए धुलाई करना बहुत ज़रूरी था, और एक बार की धुलाई से ना काम चलता भी नहीं है, लेकिन फिर ये है कि डस्ट सारी निकल जाएगी तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं रहेगा, बाकी धुलाई तो फिर होती रहेगी जब मौका मिलेगा, तो फिलहाल तो गंदा जो है सारा निकल जाएगा, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर भी जीने की पूरे जीने की धुलाई तो नहीं करूँगी, ये यहाँ पर ये छत तक आ जाएगा ये पानी, तो यहीं की निकाल रही हूँ। उसके बाद मैंने प्लांट में भी सारे में डस्ट हो रही थी, तो इनको भी मैंने अच्छे से पानी से छिड़काव कर दिया था पाइप लगा करके, और ये सब मतलब धो दिया था, दीवारें वारे सब में जहाँ पे डस्ट थी सब में मैंने पानी डाल दिया था, और अच्छे से फिर यहाँ पर देखो आप मैंने धुलाई कर दी थी तो कितना गंदा पानी निकल रहा था, तो बस छत की भी धुलाई कर दी थी मैंने, और यहाँ पे प्लांट में भी सब मैं पानी डाल दिया था, बाकी का सामान जो बाहर पड़ा था उसे तो मैं बाद में ही उठा कर रखूँगी जब यहाँ पर सूख जाएगा। I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get...
देखिए सारा जीना मैंने साफ कर दिया, जीने पे धुलाई नहीं करी थी और बस खाली पोंछा मारा है दो बार तो सारी डस्ट हट गई और सारा जीना साफ हो गया। देखिए नीचे तक बस यहीं तक पेंट कराया था तो यहीं तक था सारा गंदा, बाकी अंदर घर में भी क्लीनिंग कर ली है सारा, अंदर भी पोंछा लग गया है घर में। देखो ये देखिए ऊपर है, अब मैं जा रही हूँ ऊपर जल चढ़ाने क्योंकि काफ़ी लेट हो गया आज पूजा को भी। तो देखो हाँ जीने पे भी सब मैंने हाथ से ही करा था, धुलाई नहीं करी, धुलाई करती तो बहुत टाइम लगता और फिर सब में ना पानी हो जाता नीचे तक, और नीचे वाले पोर्शन में तो क्लीनिंग हो चुकी थी पहले तो इसलिए फिर मैंने धुलाई नहीं करी क्योंकि जीने का पानी सारा नीचे जाता है। तो मैं जल चढ़ा देती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स अब हो रहा है शाम का टाइम, तो दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आपसे बात करने का, बस छोटी छोटी वीडियो क्लिप बना ली थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। और अब शाम का हो गया है खाने का टाइम, तो यहाँ मैंने रख दी है दाल बनने। इतनी ज़्यादा आपको पता है जो घर में इतना सारा काम फैला होता है ना, पेंट का काम चल रहा था जैसे मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, तो बहुत घर फैला हुआ था, मतलब घर नीचे तो नहीं इस पोर्शन में तो हमारा कोई काम नहीं हुआ था, बाहर बार का काम रह गया था और छत का रह गया था और ऊपर कमरे का हो गया था, तो थर्ड फ्लोर पर काम चल रहा था तो वहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। और लेकिन वाइट वॉश के बाद बहुत काम बढ़ जाता है, सारा जो है सामान लगाना, सेट करना, तो धुलाई करना, तो धुलाई तो मैं करके आ गई हूँ, सामान मेरा अभी रह गया है सेट करने, और एक बार की धुलाई से काम नहीं चलता क्योंकि थोड़ा थोड़ा नीचे जो है ना गंदा सा फिर भी सफ़ेद सफ़ेद सा रहता ही है, जबकि दो तीन बार वहाँ पे धुलाई नहीं होगी ना तब तक वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन फ़िलहाल में सारी जो डस्ट थी वो निकल गई है तो क्लीन हो गया है। और अब पूरा दिन बहुत टायर्ड रही हूँ तो बिल्कुल भी वीडियो नहीं बन पाई, तो अब शाम के टाइम बस आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ मैंने दाल भी रख दी थी तो अभी मैंने ज़्यादा आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे मेरे रख दिए हैं भगोना चावल बनाने, तो इधर मैंने रख दिए हैं चावल भिगो करके, और यहाँ बना रखी है मैंने बहुत ही टेस्टी सी चटनी जो हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। तो चलिए मैं बैक कमरे से दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरी दाल बन रही है, और दाल बन रही है अरहर की, तो बच्चों को अरहर की दाल बहुत पसंद है तो वो वही दाल बनवा रहे हैं। और यहाँ मेरा पानी उबल गया है, और पानी उबाल आ जाता है तभी मैं चावल डालती हूँ, चावल मैंने भिगो के रख दिए, इससे बहुत जल्दी चावल बनते हैं। और यहाँ मैंने बना रखी चटनी, चटनी मेरी बेटी को सभी को पसंद है घर में, मतलब तो धनिया की चटनी है, धनिया टमाटर की। और यहाँ पर मैं चावल डाल देती हूँ, तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं खाना बनाने के बाद आपसे। और अभी मेरी दाल वगैरह सब जो आया हुआ है ना, राशन वाशन, ये ग्रोसरी का सामान आया हुआ है कुछ, तो डिब्बे में नहीं था तो पैकेट से निकाला, और अभी ये सामान भी मुझे ये सामान आया हुआ है यहाँ पर, देखो सारा कितना सारा सामान है इसमें। ये है वो मखाने, गरम मसाला, और यहाँ पर ये देखिए ये हैं डेट्स, बहुत अच्छे लगते हैं टेस्टी वाले। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा खाना रेडी हो गया है, दाल चावल चटनी रोटी, तो बस आज के खाने में बस इतना ही, और बहुत टाइम हो रहा है खाना, तो मैंने सब्जी नहीं बनाई थी तो बस यही बनाया है, और मैं बच्चों को देकर के आती हूँ, फिर हम भी खाएंगे, हस्बैंड आ जाएंगे तो बस इसी के साथ ही मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो फ्रेंड्स आ जाइए आप लोग भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल टेस्टी और खाना खाने के लिए, तो आ जाइए आप।